गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? बढ़िया। कैसे रहा आपका दिन? अच्छा था आपका? बढ़िया। आप गए थे चंडीगढ़ घूमने, तो बताएं चंडीगढ़ घूम के आपने क्या किया? सच में मैच में गई थी। चलो, मैच में गए थे तो आपने क्या किया, कुछ थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को। बच्चों पे वेट थे, वेट कराए सबके, उसके बाद हम घूमे। देखा, घूमने नहीं गए थे हम? नो ब्रो, नो, घूमने नहीं गए थे हम। घूमने नहीं गए थे, पर इनडायरेक्टली हम घूम के आ गए। जितना लेक घूमे थे बस वहीं पे, फिर मजे किए, फिर वापस आ गए थे 9 बजे से पहले पहले, क्योंकि बच्चों के फाइट थे। सबको सुलाया, फिर खाना खाए पहले, फिर सुलाया, फिर सब बच्चे सो गए। तो सवेरे उठ के सब चले गए मैच में। मैं थोड़ी देर बाद में गई क्योंकि मुझे खिलाना था, तो मैंने एक सर को बोल दिया था कि देख लेना, जब बच्चों के फाइट आएंगे तो मैं खिला दूंगी। तो बस बच्चों के खेले, 2 गोल्ड आए, 2 ब्रॉन्ज आए, 1 सिल्वर आया, 5 बच्चे गए थे, 5ों के मेडल आए। वाह, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके बच्चे तो शांति के बच्चों में से? शांति के बच्चे तो वहाँ गए थे, शांति के साथ गए थे, अलग गए थे। वो शो का मैच खेलने गए थे, इसमें तो मुझे जाना पड़ा था। और तुम्हारे बच्चे कौन से मैच खेलने गए थे? बच्चे ताइक्वांडो के मैच खेलने गए थे। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू गाइस। और फिर आप इतने लेट आए फिर भी घर? आज क्योंकि मैच खत्म हुआ था ना आज ही। ओके, फिर आप जल्दी कैसे आते जब मम्मी कहते जल्दी आना था? तो मैं निकल आती, मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि अकेली थी एक तो मैं। ओह, सो सैड। हाँ, फिर मैंने कहा बच्चों के लिए उठना पड़ेगा, बोलते तो फिर मैं बोल देती, सर को बोल देती मैं चलूँ। ये तो है। मैंने भी कुछ खास नहीं किया, आज हम गए और हम अपने सूट सिलवा रहे हैं क्योंकि कल है मम्मा पापा की एनिवर्सरी, मतलब आज ही मम्मा पापा की एनिवर्सरी, क्योंकि आपको ब्लॉग मॉर्निंग मिलेगा। तो सो प्लीज़ ब्लेसिंग देना मेरे मम्मा पापा को, विशेष देना, जो बड़े हैं वो ब्लेसिंग, जो छोटे हैं वो विशेष देना, और प्रे करना कि मेरे मम्मा पापा की ऐसे 50 एनिवर्सरी हो और आगे आगे हो, 50 हो, 75 हो, ताकि हम बड़ी सी ग्रैंड पार्टी रख सके। यस, फिर अपने सारे व्यूवर्स को हम बुलाएंगे। मेरी शादी में तो पता नहीं, पर मम्मा के एनिवर्सरी में सबको बुलाएंगे, मम्मा एंड डैड के एनिवर्सरी में सबको बुलाएंगे। गाइस, वी वांट टू सेलिब्रेट यस देयर एनिवर्सरी, देम एनिवर्सरी। देख, पता नहीं क्या बोलते यार ये, पर ग्रामर कितनी अजीब है। और कुछ बताओ एकता, कुछ नया ताजा कुछ चल रहा है? कुछ नहीं, बस मेरे को अभी, मैं थक गई बहुत ज्यादा। मुझे इस चीज का दुख, इतनी मुश्किल से थोड़ी सी स्किन सही करूं। तो क्यों जाती हो घूमने? जाना पड़ता है, मजा आ जाता थोड़ा सा घर से बाहर निकल। देखा, इनडायरेक्टली मैं ऐसे उगलवा सकती हूँ सब। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो नहीं, आप गलत हो, मैं उगलवा सकती हूँ सब। अभी हम नेक्स्ट सैटरडे जा रहे हैं। कहाँ? सोच रहे थे हिल्स पे जाएंगे, कुछ ऐसी हिल्स पे मत जाना। व्यूवर्स कमेंट करके बताओ हिल्स पे जाना भी टाइम में सही है कि नहीं। मैंने सुना वहाँ पे सही नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे नदियाँ पहाड़ बाढ़ ना आती हो। नदियाँ पहाड़ बाढ़ ना आती हो, ऐसे तो कोई जगह ही नहीं पहाड़ों में बाढ़ आई हुई है। हर पहाड़ में नहीं आई है। कौन से पहाड़ में नहीं आई हुई है? कहीं तो नहीं आई है। सारे पहाड़ों में आई है, क्योंकि पहाड़ों में ही बारिश हो रही है अभी तो। नहीं, कहाँ बोला था कोमल ने? डलहौजी जा सकते हो, बर्फ पड़ रही है डलहौजी में, तो मजा। हाँ, डलहौजी जा सकते हो आप लोग। यार मैं लगता है मैं बहुत टाइम से पहाड़ों में गई नहीं घूमने। 2016 में गई थी, उसके बाद श्रीनगर जम्मू कश्मीर, उसके बाद से मैं कभी पहाड़ों में नहीं गई। मैं तो अभी रिसेंट मनाली होके आई थी, बड़ा बेकार वर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्यों? सारा टाइम ट्रैवलिंग में निकल गया था। क्रिसमस टाइम गई थी, इतना रश था, इतना रश। 2 से 3 से 4 दिन लगा के आना है। हमारे पास 3 दिन थे, पर एक्चुअली रश इतना था कि कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिन ट्रैवलिंग में लग गए, 1 दिन में क्या ही बंदा एंजॉय करेगा। हम तो आराम से 2-3 दिन 4 दिन लगा के। और तुम्हारे ऑफिस से छुट्टियाँ मिल जाएंगी तुमको? थोड़ा सारी एक्सटेंड कर दूँगी। मान जाएंगे सारे? मानना पड़ेगा, सारे साल काम भी थोड़ा करते रहना है सबके। क्यूट बोल के जाओगे? नहीं नहीं, बोल के जाऊँगी, घूमने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को बता भी दिया है। जो एक तरह क्लाइंट्स वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हकीकत मैं आपको बता रही हूँ, घूमने जाऊँगी दोनों अकॉर्ड। और कल की क्या तैयारी, क्या गिफ्ट करें मम्मी पापा को? क्या करें तू बता। मैं तो ले सामान मम्मी पापा के लिए, अपने पैसे से। मीनाक्षी दी ने कंट्रीब्यूट किया, मीनाक्षी दी के सारे पैसे थे, मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। मेरा क्या बना? हमारे लिए भी कुछ आया है गिफ्ट। शो मी व्हाई व्हाट यू? मम्मा ने रखे हैं। मैंने गिफ्ट नहीं आया गाइस, मैंने पैसे दिए थे। हाय रब्बा, तो इतने सारे पैसे मैं लाए, तेरे पति की चैन आई है? मेरे पति की चैन नहीं है यार, ये मेरा थोड़ा गिफ्ट हुआ है, तो पति के लिए हुआ।
बस वही है। तूने कहा था ना कुछ लेके आना, लेके आए बोले थे। और मैंने मम्मा को केड़े झुमके, 15 पे कौन से झुमके आते हैं। छोटे छोटे मम्मा को, मम्मा के लिए बोल दिए थे यार, तू क्यों नहीं लेके आई। नहीं आए क्योंकि इतना बूंदे आ जानी थी कान की। हाँ वो आ गए, वो आए हैं फ्लावर वाले, बहुत प्यारे क्यूट हैं। मम्मा को देना था, मम्मा से पूछा था ना, मम्मा वांट कि मैं तो ये सब रिंग कौन नोट करता है, मुझे तो झुमके चाहिए, तो ऐसे की ठीक है वो मैंने कर दिया। ठीक है फिर मेरे नाम का क्या है? गोल्ड नहीं है ये, हम सिल्वर की बात कर रहे हैं। गोल्ड हम जल्दी लेंगे। मेरे लिए क्या है यार? तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे पति के लिए जो आया है वो तुम्हारे लिए। मेरे पति के लिए वाला मेरा कैसे हो सकता है? आई डोंट नो। पति का तो पति का हुआ ना, वो तो शादी के बाद की बात है। अभी का क्या है? तुम अभी इसमें कब्जा कर सकते हो। तुमने वेस्ट कर दिया। पैसा वेस्ट थोड़ी ना होता है, पैसा इन्वेस्ट होता है। वेस्ट कहाँ पे होता है? व्हाट डोंट से इट दैट्स फॉर मी। एक्चुअली हमने मम्मा पापा के लिए सिर्फ शॉपिंग की है। मैंने जोड़ के मम्मा पापा की एनिवर्सरी थी तो उनके लिए हमने शॉपिंग किया है। और यस, और अभी ऐसा ये क्या बोलना है ज्योति को समझ नहीं आ रहा है। हाँ यस, कंटेंट नहीं मेरे पास पर अभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं हम कल। मिलते हैं कल सॉरी। सो आप लोग चैनल को, जो लोग न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हमारी यूं ही प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट कर देना, हम बनाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।